हेलो दोस्तों, वेलकम टू भासु ब्लॉग्स। तो दोस्तों, कल आप सभी को पता है जैसे कि हमारे कॉलेज में छात्र संघ चुनाव है और कल हमारे कॉलेज में मतदान दिवस है, एक महापर्व है कल। तो दोस्तों, और हमारे साथ वह 3 साल बाद महाविद्यालय में इलेक्शन होंगे इस बार, तो आइए आप सब और महाविद्यालय आइए, वोट करिए, एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए जी। बाकी इससे आगे भास्कर जी बताएंगे और बीकॉम डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जी तंदु जुगरिया जी बताएंगे। हमारे भी तो पढ़े थे। और आप पूर्व छात्र संघ, निर्विरोध छात्र संघ उप सचिव महाविद्यालय, धन्यवाद भाई साहब। और आपके तो बहुत चर्चे हैं महाविद्यालय में, लेकिन आप लोग बहुत लोग फोन आ रहे हैं कि भास्कर जी सपोर्ट करिए, लेकिन आप इस चुनाव के टाइम पे आप बहुत बिजी हैं, आपके काफी कारोबार चल रहा है, कपड़ों का अलग से है और इस शुगर का अलग से है, बाकी तुम्हारे जो ठेके के चलने वो अलग से है, बाकी आप इस बीच बहुत बिजी है, आप नहीं आ पा रहे हो, लेकिन आपके आपका साथ और सहयोग सबको जरूरत है इस महाविद्यालय में, लेकिन आप भी जाइए और एक अच्छे कैंडिडेट का सपोर्ट कीजिए। तो भाई साहब, हमारे साथ आज हमारे दिनेश बिज जी, जो पूर्व में बहुत ही प्रचंड दावेदार थे महासचिव के, एक दो वोटों से बेचारे जी थोड़े पीछे रह गए, नहीं तो आज हमारे साथ जिंदा कुछ अलग लेवल में जी। आज हम कह रहे हो तो हमारे साथ जिंदा पूर्व महासचिव है, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदा नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, लेकिन हम आखिरी में ये कहेंगे, जो करेगा हमारे ऊपर खर्चा, हम करेंगे उसकी चर्चा। लेकिन चर्चे तो भी बहुत होंगे, जो है कि ना, कल 24 दिसंबर को आइए और मतदान कीजिए। तो दोस्तों, हम कल आपको कॉलेज जाएंगे और अपना इससे आगे की अपडेट हम कल देंगे और कल आपको हम एक ब्लॉग के माध्यम से सब दिखाएंगे, कॉलेज में वोट कैसे करते हैं, आपके क्या बोलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ताता, बने रहिए भासु ब्लॉग्स में। ओके ताता, बाय।